नमस्कार। शुभ वास्तु में मैं रीटा जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको वॉल क्लॉक यानी कि दीवार पर लगने वाली घड़ी के लिए वास्तु टिप्स बताऊंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचे। अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को मेरे चैनल के बारे में जरूर बताइए। शुभ वास्तु चैनल मेरा एक प्रयास है वास्तुशास्त्र के ज्ञान को सरल और आसान शब्दों में आप तक पहुंचाने का। अगर वास्तुशास्त्र इस सब्जेक्ट में आप नए हो और इस सब्जेक्ट को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हुए मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। अगर आप आपके घर या फिर कार्यस्थल का वास्तु मुझसे कराना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हुए ईमेल आईडी पर मुझसे संपर्क करें। फ्रेंड्स, घड़ी ये टाइम यानी कि समय को दर्शाती है। समय का हर व्यक्ति के जीवन में अपना एक महत्व होता है, पर कभी कभी घर के सजावट के लिए हम बिना सोचे घड़ी को किसी भी दिशा में लगा देते हैं, जो ठीक नहीं है। घड़ी का भी सही दिशा में होना जरूरी है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि घड़ी को लगाने के लिए सही दिशाएं कौन सी है और घड़ी के लिए वास्तु टिप्स। चलिए शुरुआत करते हैं ये जानकर कि घड़ी को लगाने के लिए सही दिशाएं कौन सी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नॉर्थ, नॉर्थ और ईस्ट की दिशाएं ये सकारात्मक दिशाएं हैं, क्योंकि नॉर्थ यानी कि उत्तर में कुबेर और बुध का प्रभाव है, नॉर्थ यानी कि ईशान कोण में ईश्वर और गुरु का प्रभाव है, और ईस्ट यानी कि पूरब में सूर्य का। इन्हीं कारणों से नॉर्थ, नॉर्थ और ईस्ट की दिशाओं से हमें सकारात्मक ऊर्जाएं मिलती है। इसीलिए हो सके उतना हमें इन दिशाओं के ओर अपना मुख कर अपना हर काम करना चाहिए ताकि हमें अधिक से अधिक सकारात्मक ऊर्जाओं का लाभ मिल सके। फिर घड़ी ये समय को दर्शाती है और समय को सकारात्मक दिशाओं के ओर होना चाहिए। इसीलिए घड़ी को लगाने के लिए सही दिशाएं है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट। घड़ी को कभी भी घर के साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट की दिशा के ओर आने वाले कमरों या फिर दीवारों पर नहीं लगाना चाहिए। अब हमने जान लिए कि घड़ी को लगाने के लिए सही दिशाएं कौन सी है। चलिए अब हम घड़ी के लिए वास्तु टिप्स जान लेते हैं। घड़ी के लिए गोलाकार यानी कि राउंड शेप को अच्छा माना जाता है। घड़ी को दीवार पर 5 से 6 फीट ऊंचाई पर लगाना चाहिए। घड़ी को हमेशा सही समय पर होना चाहिए। घड़ी समय से थोड़ी आगे हो सकती है पर पीछे नहीं होनी चाहिए। घड़ी को हमेशा साफ रखें, उस पर धूल मिट्टी जमा ना होने दें। घड़ी का साइज कमरे के अनुरूप होना चाहिए। छोटे से कमरे में ओवरसाइज यानी कि बहुत बड़ी घड़ी ना लगाएं, खासकर बेडरूम में। घर में कभी भी टूटी हुई या फिर बंद पड़ी घड़ी को ना रखें। इसे तुरंत रिपेयर करा दें या फिर हटा दें। घड़ी को कभी भी मेन डोर के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। दीवार पर एक से अधिक घड़ियों को लगाने से अवॉइड करें। घड़ी अगर किसी रिफ्लेक्टिव मटेरियल की बनी हो यानी कि आपका प्रतिबिंब उसमें दिखाई देता हो या फिर उसमें मिरर आईना हो तो ऐसी घड़ी को कभी भी मेन डोर और बेड के एग्जैक्ट सामने नहीं रखना चाहिए। घड़ी को आपको बीम या कॉलम पर लगाने से अवॉइड करना है। फ्रेंड्स, एक को सिंपल वास्तु टिप्स है वॉल क्लॉक यानी कि घड़ी के लिए। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई और क्वेश्चन या क्वेरीज है या फिर आप कोई वीडियो सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट में लिखें। तब तक के लिए शुभ वास्तु एंड हैप्पी लिविंग।